अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज मैं एक लो फ्लेयर का जो है न्यू पेयर लगाने लगा था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ जो है वीडियो बना के शेयर करता हूँ। ये मेल है, ये इसके आप ये पर देखें, ये देख लें जी, ये अभी न्यू पट्ठा तैयार हुआ है। तो अब इसके जो है जोड़ों के काबिल हो गया, अब मैं इसको जो है ब्रीड के अंदर लूंगा। ये मेल देख लें, ये सीजन उड़ा भी हुआ है। इसकी जो है दसवीं कली जो है वो नौवीं से थोड़ी सी छोटी है, और या मेरे ख्याल नौवीं दसवीं अब बराबर कर जाएगा अभी, क्योंकि दसवीं अभी पट्ठा बना, अभी निकाल रहा है, तो शायद बराबर कर जाएगा। इसके अलावा हतमी बात मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है मेल कबूतर है, इसकी मैं आपको आँख भी ज़रा क्लोज करके दिखा देता हूँ, फुल जूम करके। ये इसकी आँख है, ये देख लें, ऑरेंज कलर की इसकी आँख है, और इसकी चूंच का कलर आप देख लें, चूंच जो है मोमी टाइप है, आगे से सफ़ेद है। हाथ में तंग हो रहा है क्योंकि हाथ में मैं कभी कबूतर पकड़ता नहीं हूँ, बहुत कम कभी दिखाने हो तो। और इसके ये पंजे भी मैं आपको जो है चेक करवा देता हूँ, ये पंजे देख लें, ये इसके पंजे हैं, बिल्कुल खुश्क पंजे हैं, जिस तरह की चूंच है उस तरह के पंजे हैं, जिस दो कलर के अंदर आ रहे हैं, और ये इसके पंजे हैं, ठीक है जी। ये नर है, तो ये जो है मैं हड्डी भी इसकी पूरी चार उंगलियों की है, जोड़ इसके जो है बिल्कुल बंद है, ये पूरा कबूतर है, हाथ में बहुत ज़्यादा इस टाइम तंग हो रहा है। तो इसको मैं अंदर छोड़ता हूँ आपको, जो मैं इसके साथ फीमेल लगानी है वो मैं फीमेल आपको दिखाता हूँ कि वो फीमेल मैंने कौन सी इसके लिए सेलेक्ट की है। ये परवाज़ इसके अंदर बहुत है, शाम तक की परवाज़, इसके लिए कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ, उस मेल के लिए जो है मैंने ये फीमेल है, ये मैंने सेलेक्ट की है, ये फीमेल मैं उसके साथ लगाऊंगा। इसकी मैं आपको पहले आंख दिखा देता हूँ, इसकी आंख का शो करवाता हूँ। इसकी आंख और उसकी आंख तकरीबन सेम है, कोई इतना खास जो है दोनों के अंदर फर्क नहीं। ये देख लें जी, ये आंख है, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो क्लियर है, धूप के अंदर है इस टाइम, आप देख लें इसकी आंख। और इसकी पलक उसकी निस्बत थोड़ी मोटी है और सफेद में है, वो जो है ग्रे पलक का था। और ये इसके मैं आपको पर भी दिखा देता हूँ, ये देखें इसका पर, उसकी निस्बत बहुत अच्छा है, ये देखें स्प्रिंग की नमा पर है, स्प्रिंग की तरह ही होना चाहिए। ये उसका पर, इसका पर है जी, ये देख लें इसके पर, ये कांपते भी हैं, इसके पर कांपते हैं, उसके नहीं कांपते, इसके पर जो है कांप रहे हैं, इसके पर का स्प्रिंग की तरह है, बहुत अच्छा पर है जी, कुंदा जिसको हम कहते हैं। ये देखें, ये यहाँ से मैं छोड़ता हूँ फ़ौरन वापस आ जाता है, और इसका कुंदा बहुत अच्छा है, बेहतरीन किस्म का कुंदा, कुंदे के ऊपर गोश्त भी नहीं है जो कि होना भी नहीं चाहिए, परों का सीक्वेंस भी अच्छा है, और ऊपर से कलियाँ जो हैं वो गोल हैं। तो नर के साथ मैंने जो है इसको बैलेंस किया है, दुम इसकी जो है ये देख लें आप, ये इसकी दुम है, ये बंद है दुम, वो हल्की सी खुली हुई दुम में है, तो दुम का भी मैंने इनका बैलेंस करने का कोशिश किया। और हड्डी जो है इसकी जो है उसकी निस्बत थोड़ी सी छोटी हड्डी है, और जोड़ इसके जो है मादी है, क्योंकि अंडे दे के खुल चुके हैं, पहले इसके भी बंद जोड़ होते थे किसी दौर में। और इसके पंजे मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके पंजे हैं, ये वाइट पंजों के अंदर है, वाइट ही पूरी है, वाइट ही चूँच है, वाइट ही पलके हैं और वाइट ही पंजे हैं, जबकि नर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये मादी इसके साथ जो है मैं अब सेट करने लगूँ, अब पैर लगाऊंगा, तो जब बच्चे वगैरह निकलेंगे तो उड़ाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। ये पैर है जी जो मैं लगाना चाह रहा हूँ, ये सामने खड़ा हुआ बिल्कुल, मैं अगर दोनों को मैं आपस में इकट्ठा खड़ा करके वो भी आपको दिखा देता हूँ कि ये पैर कैसा, पी रखे हैं दोनों, और मादी जो है वाइट नोक के अंदर है, नर जो है वो थोड़ी सी मोमी के, और मादी जो है वो बैठी रह की, ये एक और सामने पी रखा आ गया जी, ये मैं उड़ा भी रहा हूँ आजकल, ये मेरे पास उड़ रहा है, पक्का तो हो गया, जाल के ऊपर ही छोड़ा, और अभी बाकी इसका रिजल्ट वगैरह अभी कुछ नहीं है, सिफर ही है अभी, सिर्फ ये पक्का हुआ है अभी, बाकी इसको मैंने नहीं कुछ किया। तो वो पीछे जो वो मादी अंदर वो जाने की कोशिश कर रही है, ये जोड़ा जो मैं सेट करने लगा हूँ, जो मादी है वो थोड़ी बैठी रैप की है, और नर जो है वो थोड़ा खड़ा रैप का, ये इकट्ठा पेयर है, तो ये मैं पेयर जो है सेट कर दिया। अब आपने बताना है कि आपको ये पेयर कैसा लगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इसके अलावा मेरे ये कुछ ये ब्रीडर्स ये सब बैठे हुए हैं, इस टाइम ब्रीडिंग बहुत अच्छी चल रही है, मैं आपके साथ जो है आने वाले किसी वीडियो के अंदर जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस के हवाले से जो है एक और वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल सके
किस बरसात के अंदर भी जो है ब्रीडिंग हमारी कैसी चलती है और हमने कैसे ब्रीड करवाई है, ठीक है। वो सामने भी देखने हैं, वो भी मेरा एक और ब्रीडिंग सेटअप जो है मैं आपके साथ ये भी किसी दिन शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।